अब एक बच्चा लिख रहा है कि सर आपका उद्देश्य पैसा कमाना है। अब बाबू हम लोग तो लगातार इतने दिन से इसलिए मेहनत नहीं कर रहे हैं कि आपका ये कमेंट आ जाए। हम लोग इसलिए मेहनत कर रहे हैं कि एक बात जान लो, शिक्षा एक ऐसा पेशा है, शिक्षक एक ऐसा पेशा ही नहीं है। सबसे पहली तो बात मैं ये बता दूं, शिक्षक एक कर्तव्य है, यह एक सेवा है। शिक्षक अगर ये सोच लेगा कि अगर उसके मोटिक में कहीं भी पैसा आ जाएगा तो अपना पूरा वो इफेक्ट दे ही नहीं सकता है। हम ये हमारा हर एक लाइन हमारे स्टूडेंट के जीवन को प्रभावित करता है। इस कारण कोई भी शिक्षक एक शब्द बोलता है, एक लाइन बोलता है, तो उससे हजारों बच्चे इफेक्ट होते हैं। तो ये हमारा मोटिव रहा है। अगर हमारा मोटिव पैसा कमाना होता तो हम आपके सामने अभी नहीं होते, ऐप पे पढ़ा रहे होते। ऐप का सिलेबस हमने कंप्लीट किया क्योंकि वो हमें पैसा दिए। बिल्कुल मेरा कर्तव्य है और एकदम मैं खुल के बता रहा हूं कि जीवन जीने के लिए पैसे की जरूरत है। लेकिन शिक्षक एक ऐसा पैसा है जहां पे पैसे का महत्व नहीं दिया जाता है, उसका महत्व सेकेंडरी होता है। प्राइमरी ये होता है कि हम अपने बच्चों को कितना दे रहे हैं। और मैं आपको बार बार ये बात बताता हूं कि अगर आप सफल होते हैं तो मैं क्या ही बताऊं उस बच्चे के कमेंट को लेके, आप अगर सफल होते हैं तो माता पिता के बाद जो सबसे ज़्यादा खुश होता है वो आपका टीचर होता है। उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता है आपके लिए। आप अगर सफल होते हैं तो सबसे ज़्यादा खुशी होती है कि हमारे बच्चे सफल हुए हैं, और इसका अर्थ कहीं भी पैसे से नहीं आता है। पैसा सेकेंडरी मैटर होता है हमारे लिए। आप जितना मेहनत करके आते हैं, आपको क्या लगता है क्वेश्चन कहीं भी ऐसे मिल जाता है? सब क्वेश्चन को कितना मेहनत करके हम आपके लिए लाते हैं, आपको देते हैं, हम अपना कर्तव्य समझते हुए। कोई एहसान नहीं, कभी मैंने आपको नहीं बताया आज तक इतने बड़े क्लास में, इतने दिन से आप लोग हमसे पढ़ रहे होंगे, कभी नहीं मैंने कहा कि नहीं हम एहसान कर रहे हैं आपके ऊपर। हम अपना कर्तव्य कर रहे हैं और आपसे भी ऐसा करते हैं कि आप अपना कर्तव्य करिए, जो आपका दायित्व है आप उसको निर्वहन करिए। तो ये सब लाइन अगर लिखने से पहले आप एक बार अपने जमीर के अंदर सोचिएगा कि आप लिख रहे हैं तो उस व्यक्ति के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा जो रात में जाग के आपके लिए मेहनत करता है और सुबह आपके लिए लेके आता है कुछ मटेरियल जिससे आपको कुछ सिखा सके। लेकिन फिर भी कोई भी बातें आ जाए, हम आपके लिए हमेशा हैं। जितना भी आ जाए, मैं बताया ना, अपना जितना भी हो सकता है आपको देने का प्रयास करता हूं, जितना हमारे समझ की बात है। बाकी आपकी इच्छा है, आप क्या लिखते हैं नहीं लिखते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो भी टीचर अगर शिक्षक को एक पेशा बनाता है, शिक्षा को पेशा बनाता है, वो वाकई इसके साथ अन्याय करता है। टीचर कभी पेशा हो ही नहीं सकता है। पैसा होता है जिसमें आप इस मोटिव से जाएं कि पैसा कमा के आ जाएं। यहाँ पे हम इस मोटिव से आते हैं कि हम अपने बच्चों को कुछ सिखा सकें। उनमें ऐसा हमारे कारण अगर उनमें कुछ भी परिवर्तन आया है, हम अगर रेगुलर हैं, हम अपने मेहनत के दम पे उनको भी कुछ सिखा पा रहे हैं, तो यही हमारी सबसे बड़ी सफलता है। और आपका दिया गया कमेंट हमारे लिए सबसे बड़ा वरदान होता है। मैं बता रहा हूँ ना, जब थक जाता हूँ कभी कभी तो आपका कमेंट खोल के देखता हूँ तो उसी एनर्जी के साथ दोबारा मेहनत करने की इच्छा होती है कि हमारे बच्चे इसके लिए हमारे लिए इतना लिख रहे हैं, तो अब ये सी बात है, हमें उनको कुछ देना चाहिए। तो ये हमारे लिए काफी है।